सिनेमा शो में आज बात करेंगे ऐश्वर्या राय और मृणाल ठाकुर के कान फेस्टिवल के लुक की। बताएंगे किस फिल्म में रजनीकांत के साथ नजर आएंगे कपिल देव। अनुराधा पौडवाल को अपने गानों का रिमिक सुनकर क्यों आता है रोना और आदि पुरुष का पहला गाना कैसे होगा भव्य तरीके से रिलीज, सब पर करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। विन डीजल की फिल्म फास्ट एक्स सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने भारत में पहले दिन 13 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। फास्ट एक्स फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 10वीं फिल्म है। इसे लुई लेट्रियर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विन डीजल, जेसन मोमोआ, मिशेल रोड्रिग्स, जॉन सीना मुख्य भूमिका में है। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू कर लिया है। वो आइवरी कलर के गाउन में नजर आई। ये गाउन फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक ने डिजाइन किया है। मृणाल के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन के कान लुक की भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हैं। रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव भी स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। खुद रजनीकांत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तस्वीर में दोनों एक साथ खड़े बात करते नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए रजनीकांत ने लिखा, महान, सबसे सम्मानित और अद्भुत इंसान कपिल देव जी के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है, जिन्होंने भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताकर गौरवान्वित किया। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने Z5 के साथ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स के लिए 5 साल की डील साइन की है। ये डील करोड़ों में है। इस डील के तहत सलमान की आने वाली सभी फिल्मों के एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स Z5 के पास होंगे। किसी का भाई किसी की जान इस डील में रिलीज की जाने वाली पहली फिल्म होगी। Tiger 3 इस डील का हिस्सा नहीं होगी। टोबिनो थॉमस की पहली पैन इंडिया फिल्म अजंते रंदम मोशानम का टीजर आज रिलीज होगा। इसे ऋतिक रोशन रिलीज करेंगे। ये पहली बार होगा जब ऋतिक साउथ की किसी फिल्म का टीजर रिलीज करेंगे। सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या बॉलीवुड में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का नाम होगा दोनों। इस फिल्म में सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ठकेरिया भी बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं। अनुराधा पौडवाल जब अपने गानों के रीमिक्स सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और रोना भी आता है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब भी वो अपने किसी गाने का रीमिक्स वर्जन सुनती हैं तो उन्हें वापस अपने गाने या भजन सुनने पड़ते हैं। हेट स्टोरी 2 के गाने आज फिर तुम पर प्यार आया है, जो कि उनके ओरिजिनल गाने का रीमिक्स है, उसे सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। खबर थी कि बिग बॉस कंटेस्टेंट अब्दुल रजीक सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम करेंगे। जब फिल्म आई तो अब्दू कहीं नजर नहीं आए। अब इस बारे में बात करते हुए अब्दू ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैंने फिल्म के लिए शूट किया था लेकिन मेरे सीन्स हटा दिए गए क्योंकि वो उतने बढ़िया शूट नहीं हो पाए थे। वो चाहते थे कि मैं उन्हें रीशूट करूं लेकिन तब तक मैं बिग बॉस के घर में चला गया था। सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म Tiger 3 की शूटिंग में बिजी है। इस बीच खबर है कि शूटिंग के दौरान सलमान घायल हो गए हैं। सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें उनके कंधे पर टेप लगा हुआ है। कैप्शन में सलमान ने लिखा, जब आपको लगता है कि आपने पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है तो वो कहता है, दुनिया को छोड़ो, पहले 5 किलो का डंबल उठाकर दिखाओ, टाइगर जख्मी है। भूषण कुमार और ओम राउत अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के पहले गाने को भव्य तरीके से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। 20 मई को मुंबई में एक इवेंट किया जाएगा और 4 मिनट के इस गाने को ऑर्केस्ट्रा के साथ रिलीज किया जाएगा। अजय अतुल 30 से ज्यादा लोगों की टीम के साथ इस गाने पर परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद होगी। ANI को दिए एक इंटरव्यू में दिव्या दत्ता ने बताया, जब वो वीर ज़ारा फिल्म के लिए यश चोपड़ा से पहली बार मिली और उन्होंने दिव्या को फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में बताया तो दिव्या ने पूछा, इसमें मेरा क्या रोल होगा। यश ने उनसे कहा कि प्रीति जिंटा के दोस्त का रोल आपको करना है, वो उस रोल को नहीं करना चाहती थी, फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया तब जाकर उन्होंने इसके लिए हाँ कहा। पॉपुलर कोरियन ड्रामा सस्पिशियस पार्टनर का हिंदी रीमेक बनने वाला है। नाम होगा लीगल अफेयर। इसमें अंगद बेदी और बरखा सिंह लीड रोल्स में होंगे। इस शो को जियो स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है। शो की शूटिंग दिल्ली और मुंबई में की गई है। इस साल के अंत तक इसे रिलीज किया जाएगा। सिनेमा शो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।